राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। रेमल तूफान का पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके कैनिंग में लैंडफॉल हुआ। पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच 135 किलोमीटर पर हवर की रफ्तार से हवाएं चली, साथ ही तेज बारिश हुई। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, घर ढह गए, बिजली के खंभे भी उखड़ गए। साथ ही सुंदरवन से गोसाबा इलाके के मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हुआ। रविवार रात 8:30 बजे बांग्लादेश के मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर आइलैंड और खोपूपारा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नजदीकी तटों पर लैंडफॉल शुरू हुआ था, जो 4 घंटे से ज्यादा जारी रहा। तूफान आने से पहले बंगाल के तटीय इलाकों से करीब 1,10,000 लोगों को शेल्टर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। इसमें सबसे ज्यादा लोग साउथ 24 परगना जिले से हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की 16-16 टीमों को तटीय इलाकों में तैनात किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता नॉर्थ 24 परगना सहित अन्य शहरों में तूफान के कारण तेज बारिश और आंधी रही। इसके कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, जिसके कारण रास्ता ब्लॉक हुआ। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।